हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का वीडियो है एक बहुत ही अच्छे डीजे सेटअप का, जिसमें आपका कुछ इस प्रकार से एम्पलीफायर रहेंगे, चार टॉप हैं और दो बेस है। तो आइए बात करते हैं सेटअप के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, ये सेटअप जो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र आप ही के बीच के हमारे सब्सक्राइबर, जिनका एड्रेस आप इस प्रकार से ये देख सकते हैं, तो भाई ने अपने सेटअप का डिटेल्स हमें शेयर किया, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बात करते हैं इस सेटअप के बारे में कि इसमें किस प्रकार से यहाँ पे चलाया जा रहा है और स्पीकर सिस्टम कौन कौन से हैं, एम्पलीफायर कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं चार टॉप और दो बेस हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से सेटअप किया गया है। यहाँ पे जो दो टॉप है वो एक एम्पलीफायर पर चल रहा है, बाकी का दो टॉप जो है दूसरे एम्पलीफायर पर चल रहा है, और नीचे का जो बेस है HDA 7000 इस पे चल रहा है। एम्पलीफायर बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं ये जो दोनों एम्पलीफायर है 2 ओम्स पे स्टेबल है, फुल स्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 ओम्स पे फुल लोड पे चलता है। HDA 7000 स्टूडियो मेन का एम्पलीफायर है और ये भी 2 ओम्स पे स्टेबल है, जैसा कि मैंने इसको यूज करके देखा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो यहाँ पे भाई जो है इस वाले एम्पलीफायर पर दो टॉप चला रहे हैं, पर चैनल एक टॉप, और नीचे का DX-3502 इस पे दो टॉप चल रहा है, पर चैनल एक टॉप, और यहाँ पे बेस चलाया जा रहा है। बात करें बेस का कि इसमें कौन से स्पीकर सिस्टम का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे बेस में जो है डीजे प्लस का 1200 वाट का स्पीकर सिस्टम का यूज़ किया गया है, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। टॉप की बात करें तो यहाँ पे ए प्लस का 800 वाट का दो टॉप है, और बाकी डिटेल से आप देख सकते हैं आउजा का 300+300 वाट के दो स्पीकर लगे हुए हैं। इस प्रकार से भाई का ये टोटल सेटअप कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको वायरिंग समझा दिया किस प्रकार से चल रहा है, और एम्पलीफायर भी आपने देखा काफ़ी अच्छा सिस्टम भाई का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, यहीं पे हम एम्पलीफायर के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे HDA 7000 जो है ये अप्रॉक्स 52,000 रुपये पड़ेगा, और यहाँ पे DX-3502 इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस अप्रॉक्स 43,000 रुपये पड़ेगा, और वैसा ही स्ट्रीम मास्टर का 3.0 का प्राइस है 42,000 से 43,000 रुपये। तो जो भाई यूज़ करते हैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जाना कि आप इस पे क्या चलाते हैं, कितने वाट का स्पीकर सिस्टम के यूज़ करते हैं, और इसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला। और यहाँ पे इन एम्पलीफायर के बारे में तो आप जानते हैं आउटपुट कैसा है। बात करें HDA 7000, तो इस वाले एम्पलीफायर का 4 ओम्स पे आउटपुट है 2800 वाट, तो इसमें बेस का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। और दोस्तों, यहीं पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ए प्लस का ये टॉप यूज़ करते हैं तो बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा मिलता है। वैसे तो इस वीडियो में जो साउंड सिस्टम का यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आप भी बिल्कुल अगर इस टाइप का सेटअप चलाते हैं तो मुझे उसका वीडियो सेंड कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग। हेडफोन का यूज़ करिएगा ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, ये देखा आपने इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग। साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, और अगर आपके मन में इस वाले सेटअप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल करना, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे अपने सेटअप का वीडियो सेंड कर सकते हैं। इस नंबर पर मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, और आप मुझे व्हाट्सअप में इस नंबर से बात भी कर सकते हैं। और जिन भाइयों को अपना सेटअप सेल करना है वो भी मुझे इस नंबर पे डिटेल शेयर कर सकते हैं, मैं उनके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते जाना,
और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।